नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्र चल रहे हैं। आज जानते हैं नवरात्र के इतिहास के बारे में। नवरात्र को आधा शक्ति की आराधना का पर्व भी माना जाता है और ये तब से ही मनाया जा रहा है। संवत्सर यानी वर्ष में चार नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इन चार नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रकट, चैत्र का नवरात्र वासंतिक और आश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वासंतिक नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें क्रमशः राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहा जाता है। शाक्तों की साधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचा में इसकी चर्चा है, जो कि आधा महाशक्ति का एक रूप है। बंगाल में विशाल मृण्मयी प्रतिमाओं में सप्तमी, अष्टमी और महानवमी को दुर्गा पूजा होती है। दशमी को प्रतिमाएं नदी में या तालाब में विसर्जित कर दी जाती है। शारदीय शक्ति पूजा को विशेष लोकप्रियता त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अनुष्ठान से मिली। देवी भागवत में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा किए गए शारदीय नवरात्र के व्रत तथा शक्ति पूजन का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन 1 शक्ति की पूजा का विधान है। सृष्टि की संचालिका कही जाने वाली आदि शक्ति की 9 कलाएं यानी विभूतियां नव दुर्गा कहलाती हैं। देवी भागवत में नव कन्याओं को नव दुर्गा का प्रत्यक्ष विग्रह बताया गया है। इसके अनुसार नव कुमारियां भगवती के नव स्वरूपों की जीवंत मूर्तियां हैं। इसके लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी का कहलाती है, जिसके पूजन से धन, आयु, बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही जाती है, इसके पूजन से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के पूजन से विवाह आदि मंगल कार्य संपन्न होते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी की पूजा से स्वास्थ्य लाभ होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका की पूजन से शत्रु का दमन होता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी के पूजन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा पूजन से असाध्य रोगों का शमन और कठिन कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत में इन 9 कन्याओं को कुमारी नव दुर्गा की साक्षात प्रतिमूर्ति माना गया है। 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को कुमारी पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के बिना भगवती महाशक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती। कन्या पूजन के माध्यम से ऋषि मुनियों ने हमें स्त्री वर के सम्मान की शिक्षा दी है। नवरात्र में देवी भक्तों को यह संकल्प लेना चाहिए कि आजीवन बच्चियों और महिलाओं को सम्मान देंगे और उनकी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे, तभी सही मायनों में नवरात्र की शक्ति पूजा संपन्न होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।